हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एकदम लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बताते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो है दोस्तों कि भारत या हिंदुस्तान को इंडिया क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान है उसे पाकिस्तानी कहते हैं, चाइना को चाइना कहते हैं, नेपाल को नेपाल कहते हैं, श्रीलंका को श्रीलंका कहते हैं, लेकिन जो अपना भारत है, जो हिंदुस्तान है, उसे कहते हैं इंडिया। तो ये कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, पहले जब अंग्रेजों का काल था दोस्तों, तब इसे जब भारत या हिंदुस्तान कहा जाता था, तो अंग्रेजों को थोड़ी डिफिकल्टी होती थी ये बोलने में, प्रोनाउंसिएशन उनको डिफिकल्ट जाता था। तो फिर उनको ये भी पता चला कि जो इंडिया की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो यानी पुरानी जो संस्कृति है दोस्तों, उसका जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों, इसको इंडस वैली भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंधु से दोस्तों इंडस रिवर जो है वहाँ से ये शब्द लेकर लिया गया इंडस वैली, उसको इंडिया किया गया। और जब उन्होंने इंडिया किया तो उनको लगा कि ये प्रोनाउंसिएशन में भी इजी है और उनको ये नाम बहुत पसंद आया, तो उन्होंने उसको इंडिया नाम रख दिया। लेकिन दोस्तों, जब इंडिया जब अपना स्वतंत्र हुआ, तब वापस इसके ऊपर वापस बहुत सारा डिबेट हुआ कि इसका नाम भारत रखे या इंडिया रखे, भारत रखे या इंडिया रखे। लेकिन फाइनली दोस्तों, बहुत सारी आर्गुमेंट के बाद ये एक नतीजा निकला गया कि इंडिया रखा जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उसमें भी लिखा है, देखो, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और बाकी सारी चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों। तो बस यही चीज़ है दोस्तों, यही फैक्ट है। अपने व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लोग अलग अलग रीजंस बताते हैं कि इंडिया का ऐसा फुल फॉर्म ऐसा है, इसकी वजह से उसका नाम इंडिया है। या फिर आपने और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनी होगी जिससे आपको लगता है कि इसका नाम इंडिया रखा गया। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में फैक्ट यही है कि इसका जो नाम है, ये आया है इंडस वैली, जो कि सिंधु नदी की जो सभ्यता है, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं उसको, वहाँ से लिया गया है ये, और उसी के ऊपर ये पूरा नाम इंडिया आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब यही से आया है। और अभी ये जानकारी आपको ज़रूर हेल्प करेगी दोस्तों, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं पर भी, इंटरव्यू में वगैरह, तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखो। और दोस्तों, इस तरह का नॉलेज हम हमारे चैनल पे आपके साथ शेयर करते हैं। हमने हमारे चैनल पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज शेयर किया है। इसके अलावा हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ऊपर भी वीडियोस बनाते हैं दोस्तों। हमारे चैनल पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ भी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, हमने वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाए दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी वेबसाइट से उस पर काम करके आप घर बैठे भी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी और आप आपके लाइफ में तरक्की कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।